छोटा राजा। एक समय की बात है, दूर एक देश में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था और वह अपने माता पिता से खूब प्यार करता था। चिंटू बहुत ही अच्छा लड़का था और इसी वजह से सब उसे खूब पसंद करते थे। लेकिन चिंटू जिस देश में रहता था वहाँ का राजा बहुत ही क्रूर था। वहाँ के राजा से सब डरा करते थे। चिंटू रोज अपने आसपास देखता कि राजा के सैनिक लोगों को बेवजह तंग किया करते थे। ऐसे में वह अपने पापा से पूछता, पिताजी ये लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? पिताजी उस वक्त अपने कार्य में व्यस्त थे, इस वजह से उन्होंने चिंटू से कहा, चिंटू देख नहीं रहे हो बेटा, मैं अभी काम कर रहा हूँ, चलो जाओ, अभी हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर पिताजी ने चिंटू का जवाब नहीं दिया। लेकिन चिंटू तो ठहरा जिज्ञासु लड़का, अगर उसे कुछ जानना हो तो वह कुछ भी करके जान ही लेता। ऐसे में वह अपनी माँ के पास गया और माँ से वही सवाल पूछा, माँ ये लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? माँ ने अपने प्यारे से चिंटू की ओर देखा और कहा, इन्हें सिर्फ एक आदमी ही ऐसा करने से रोक सकता है, और वो कौन है माँ, बताइए ना, जल्दी बताइए, चिंटू ने कहा। माँ बोली, अरे मेरे लाल इतनी भी क्या जल्दी है, क्या करोगे जानकर, आप बताइए ना, मुझे जानना है, चिंटू ने माँ से कहा। माँ ने जवाब देते हुए कहा, वो राजा है बेटा, ये सारे सैनिक उन्हीं के हैं और वही इन्हें रोक सकते हैं। चिंटू ने फिर सवाल पूछा, तो वो इन्हें ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? माँ ने जवाब में कहा, क्योंकि हमारे राजा अच्छे राजा नहीं है, वो लोगों को खूब परेशान करते हैं और जो मिल जाए उसे सजा सुना देते हैं। ऐसे में चिंटू ने कहा, माँ मैं इन सैनिकों से लड़ूंगा और सबकी राजा से रखवाली करूंगा। माँ हंसते हुए बोली, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है, तो फिर तुम कैसे राजा से लड़ोगे? माँ की ऐसी बातें सुनकर चिंटू निराश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ। अब रात का समय हो चला था और चिंटू के मन से वह बात घर कर चुकी थी। चिंटू सोते सोते एक ही बात सोच रहा था कि आखिर कैसे मैं राजा से लड़ सकता हूँ। ये सोचते सोचते वह भगवान से विनती किया और कहा कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं राजा को हरा कर देश के लोगों की रक्षा कर सकूं। नींद में चिंटू को एक सपना आया। सपने में एक परी आई और उसने चिंटू से कहा, चिंटू तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और उन्होंने तुम्हें राजा से लड़ने के लिए ये तलवार दिया है। जब तक तुम्हारे पास ये तलवार है तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी और तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहकर परी चली गई। चिंटू की सुबह नींद खुली और उठते ही उसने सबसे पहले अपना पूरा घर खोजा। वह अपने घर का एक एक कोना खोजने लगा लेकिन उसे वह तलवार कहीं ना मिली। ऐसे में थक हार कर चिंटू अपने बिस्तर में जा बैठा। बैठे बैठे वह सोचने लगा, क्या वह बस एक सपना था या ऐसा सच में हुआ था? अचानक चिंटू को याद आया कि घर में ऐसी बस ऐसी एक जगह बची है जहां उसने अभी तक नहीं देखा है और वह था बिस्तर के नीचे। उसने तुरंत अपने बिस्तर के नीचे झुककर देखा और उसे वहां एक चमकीला तलवार मिला। तलवार को देखते ही वह उसे तुरंत बाहर निकाला। उस तलवार की चमक अन्य सभी तलवारों से अधिक थी और तलवार दिखने में जादुई लग रही थी जैसा कि परी ने उसे कहा था। अब चिंटू तलवार को हाथ में लिए राजा के महल की ओर चल पड़ा। चिंटू की हाथ में वह तलवार देख सब चौंक गए और सब चिंटू के पीछे पीछे राजा के महल की ओर जाने लगे। जैसे ही चिंटू महल के दरवाजे की ओर पहुंचा तो महल के तीन सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश, लेकिन उस तलवार की वजह से कोई भी चिंटू के सामने नहीं टिक पाया। अब चिंटू महल के अंदर जा पहुंचा और राजा को सीधा चुनौती दिया। एक छोटे बच्चे को अपने सामने देख राजा हंसने लगा और कहा, बच्चे ये उम्र तुम्हारे खेलने की है, चलो जाओ और तलवार यही छोड़ दो। ये सुनकर चिंटू ने राजा पर सीधे हमला किया और दोनों के बीच लड़ाई चालू हो गई। दोनों के बीच की वह लड़ाई सारी जनता खड़े होकर देख रही थी। सबने देखा कि चिंटू एक छोटा बच्चा कितनी बहादुरी से राजा से लड़ रहा है और अंत में उस तलवार ने अपना कमाल दिखाया और चिंटू ने उस राजा को हरा दिया।
अब उस देश का राजा चिंटू बन चुका था। चिंटू से राजा और उसके सैनिकों को कड़ी सजा दी। अब सब चिंटू के देश में खुश रहने लगे और चिंटू खुशी खुशी अपने देश में राज करने लगा।